हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। तो बच्चों, बेसिकली हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स का आइसोलेशन हम पढ़ते हैं, स्मॉल एंड बिग कंपाउंड्स की फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम उनका स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करते हैं, और अगर पॉसिबल है तो उनको किस तरह से उनकी फॉर्मेशन हो सकती है, सिंथेसाइज किया जा सकता है, ये भी हम देखते हैं। बच्चों, अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट बनाते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, जिनमें अमीनो एसिड्स है, शुगर्स है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अभी एक टेबल भी हम देखेंगे यहाँ पर, ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं। तो बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पर कि बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट जिन्हें हम बोलते हैं, यानी कि एनिमल टिश्यूज़ में अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारी कैटेगरीज है जो कंपाउंड्स की वो प्रेजेंट रहती है। 9.1 जो फिगर है उसमें हमने ऑब्जर्व किया होगा। यहाँ हम देखते हैं 9.1 टेबल को एक बार। ये है बच्चों, ठीक है। इस 9.1 के अंदर जितने भी आप यहाँ एलिमेंट ये देख रहे हो, यहाँ पर एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर इसका वेट है, ह्यूमन बॉडी में इसका कितना वेट है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं इनके बेसिस पर, यानी कि एज अ मेटाबोलाइट कैटेगराइज करते हैं यहाँ पर, तो इन सब की जो प्रेजेंस एनिमल टिश्यूज़ के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इन्हीं जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को, इनकी प्रेजेंस को ही हम क्या कहेंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे, इसी कैटेगरी को। अगर हम किसी प्लांट को, फंगल को, माइक्रोबियल सेल्स को अगर हम ऑब्जर्व करने लगे तो वहाँ भी हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स कौन से हैं, अदर देन दिस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा जो दूसरे कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, लाइक एल्केलॉइड्स है, फ्लेविनोइड, रबर एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर पिगमेंट, सेंस, गम, स्पाइसेस, इन सभी को बच्चों हम किस कैटेगरी में रखेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैटेगरी में रखेंगे, जो यहाँ पर इस टेबल में शो किया हुआ है। ये आपने ध्यान में रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है इनमें एल्केलॉइड्स है, टर्पेनॉइड्स है, ये ध्यान रखना। कुछ जो प्रीवियस ईयर का जो नीट का भी एग्ज़ाम है उसमें भी एक बार पूछे गए थे, पहले के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर, लाइक टॉक्सिन्स कौन से रहेंगे, एबरेंट रिसिन है, एसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एल्केलॉइड्स और टर्पेनॉइड्स दोनों ही, तो इसको आपने पढ़ लेना है। जब भी बच्चों अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी इसका अच्छा फंक्शन एक रहता है, और काफ़ी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस होती हैं उनमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की तो मतलब वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल और फंक्शंस ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। एक टाइम पर तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक रबर है, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स, ये हमारे नॉर्मल जो ह्यूमन वेलफेयर है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये नोट करना, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, ये जो हम आगे के चैप्टर्स आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट था बच्चों। अगर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में हम देखें तो ये जो पहले का ही कंसेप्ट हमने सबसे स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, उसी का कुछ कंसेप्ट इसके अंदर इंक्लूड होगा। यानी कि बहुत सारे जो एसिड सोल्यूबल पूल हमने एक देखा था, एसिड इन सोल्यूबल पूल हमने देखा था, तो अगर मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर हम बात करें तो उनके 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स जो है वो मॉलिक्यूलर वेट रहता है। एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन होगी उसमें 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, विच आर प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। ये जो क्लासेस हैं बच्चों कंपाउंड्स की, इसमें लिपिड्स का एक्सेप्शन रहेगा। यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 या इससे ऊपर ही रहता है। इस रीज़न की वजह से बायोमोलिक्यूल्स में, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि दो तरह के यहाँ पर केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट है लिविंग बींग्स में। एक जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है 1,000 डाल्टन से, और उसको यूजुअली हम माइक्रोमोलिक्यूल कहेंगे या सिंपली बायोमोलिक्यूल कहेंगे, और जो दूसरे हैं जिनका जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन प्रेजेंट है उनको हम मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे। तो बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स हमारे इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, उनको हम क्या कहेंगे, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन अराइज होता है, देन व्हाई डू लिपिड्स हुज मॉलिकुलर वेट्स डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। भाई, इसका मॉलिकुलर वेट 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता, उसके बाद भी हम इसको अलग कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, कम अंडर एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, दैट इज मैक्रो
मॉलिक्यूल, यानी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पर तो इसको माइक्रोमोलिक्यूल कैटेगरी में होना चाहिए, लेकिन ये मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में हम क्यों रख रहे हैं इसको लिपिड्स? तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, या हम डिस्कस ही कर रहे हैं अभी, एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। तो बच्चों लिपिड्स हैं हमारे इंडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। लिपिड्स का क्या है, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा है, स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट ऑल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स। यानी कि ये सिंगली ऐसे ही प्रेजेंट नहीं होते, एज सच जैसे प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर्स में अरेंज हो जाते हैं, लाइक सेल मेम्ब्रेन में है और दूसरी मेम्ब्रेन्स है। जब भी हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो हम देखते हैं जो सेल स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन और जो दूसरी मेम्ब्रेन्स है वो छोटे छोटे पीसीज में ब्रोक हो जाती हैं, वेसिकल्स की फॉर्मेशन वहाँ पर होगी जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है। तो जो ये मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स होंगे बच्चों वेसिकल्स की फॉर्म में, ये एसिड इनसोल्यूबल पूल के साथ ही क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और हम इसको क्या कहेंगे, मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं है और माइक्रोमोलिक्यूल भी, मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रहता है। इस क्वेश्चन को आपने भी फाइंड आउट करना है कि इसको हम दोनों कैटेगरी में कैसे रख रहे हैं। एसिड सोल्यूबल पूल बच्चों हमारा प्रेजेंट करता है रफली साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स वो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन बनाते हैं, दोनों के दोनों ये मिलकर के कंप्लीट जो केमिकल कंपोजिशन है लिविंग टिश्यू ऑर्गेनिजम्स की वो कंप्लीट फुलफिल करते हैं रिक्वायरमेंट को। तो अगर हम बात करें कि केमिकल कंपोजिशन जो लिविंग टिश्यू की क्या रहेगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अरेंज करें उसे क्लास वाइज, तो हम देखेंगे कि वाटर इसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट केमिकल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो बच्चों आज आपने डिस्कस करना, ये पढ़ लेना है जो हमने डिस्कस किया अभी, कल हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप बता देना, उसे हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे।